ये कहानी है कड़वा बोलने वाली बहू की। कल्याणी के बहू बेटे शहर में बस चुके थे, लेकिन उसका गांव छोड़ने का मन नहीं हुआ, इसलिए अकेले में ही रहती थी। वे रोजाना की तरह मंदिर जाकर आ रही थी। रास्ते में उसका संतुलन बिगड़ा और गिर पड़ी। गांव के लोगों ने उठाया, पानी पिलाया और समझाया, अब इस अवस्था में अकेले रहना उचित नहीं, किसी भी बेटे के पास चली जाओ। कल्याणी ने भी परिस्थिति को स्वीकार कर बेटे बहुओं को ले के जाने के लिए कहने हेतु फोन करने का मन बना लिया। कल्याणी अति धार्मिक थी, कोई व्रत त्योहार आता पहले से ही तीनों बहुओं को सचेत कर देती, अति खुशी खुशी व्रत करती, माध्यम भी मान जाती थी लेकिन कड़वी विरोध पर उतर जाती। आप हर त्योहार पर व्रत रखवा कर उसके आनंद को कष्ट में परिवर्तित कर देती है। तेरी तो जुबान लड़ने की आदत है, कुछ व्रत तब कर ले, आगे तक साथ जाएगा, कल्याणी ने अपनी बहू को बोला। दोनों की किसी न किसी बात पर बहस हो जाती। गुस्से में एक दिन कल्याणी ने कह दिया, तू क्या समझती है बुढ़ापे में मुझे तेरी जरूरत पड़ने वाली है, तो अच्छी तरह से समझ ले, सड़ जाऊंगी लेकिन तेरे पास नहीं आऊंगी। सबसे पहले उसने अति को फोन किया। गिर गई हूँ, आजकल कई बार ऐसा होने लग गया है, सोच रही हूँ तुम्हारे पास आ जाऊं इन्हीं नवरात्रों में। अभी नहीं माजी, अभी नहीं, नंगे पांव रह रही हूँ, आजकल किसी का छुआ भी नहीं खाती। मध्यम को भी फोन किया लेकिन उसने भी बहाना कर टाल दिया। जब अति और मध्यम ही टाल चुकी तो कड़वी को फोन करने का कोई फायदा नहीं था, और अहम भी टूटा था लेकिन खत्म नहीं हुआ था। फोन पर हाथ रख आने वाली कठिन समय की कल्पना करने लगी थी, तभी फोन की घंटी बजी। आवाज से समझ गई थी कड़वी है। गिर गए ना, आपने तो बताया नहीं लेकिन मैंने भी जासूस छोड़ रखे हैं, पोते को भेज रही हूँ लेने के लिए। क्या तुझे मेरे शब्द याद नहीं है, कल्याणी ने बोला। माजी जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, आपने कहा था सड़ जाऊंगी तो भी तेरे पास नहीं आऊंगी, तभी मैंने व्रत ले लिया था, इस बुढ़िया को सड़ने नहीं देना है, मेरा तप अब शुरू होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही कहानी है जो दिल को छू ले या किसी का जीवन बदल दे तो हमारे साथ शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हमें इस वीडियो के प्रति आपके बहुमूल्य विचार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।